स्वागत है आप सभी का कर्मा आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर। आपके साथ मैं हूँ विशाखा। इस चैनल पर आप किडनी से जुड़ी हर तरह की जानकारी आसानी से पा सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है कि ऑलपोट सिंड्रोम किडनी को कैसे इफेक्ट करता है। ऑलपोट सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जो किडनी में ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाती है। इससे किडनी फेल होने का खतरा बढ़ जाता है, साथ ही ये आईज और ईयर्स को भी खराब कर सकती है। ग्लोमेरुली किडनी के टाइनी फिल्टरिंग यूनिट्स हैं। ऑलपोट सिंड्रोम ग्लोमेरुली को अटैक करके किडनी को नुकसान पहुंचाती है। इसके तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट है एक्स लिंक्ड ऑलपोट सिंड्रोम, यानी कि XLAS। ये सबसे कॉमन फॉर्म है। ट्रीटमेंट के बिना 90% मेल्स 40 साल की उम्र तक किडनी फेलियर की प्रॉब्लम फेस करते हैं। सेकेंड है ऑटोसोमल रिसेसिव ऑलपोट सिंड्रोम। ये तब होता है जब अनहेल्दी जीन्स आगे ट्रांसफर हो जाते हैं। थर्ड है ऑटोसोमल डोमिनेंट ऑलपोट सिंड्रोम, यानी कि ADAS। ये तब होता है जब किसी एक पेरेंट का कोई अनहेल्दी जीन बच्चों में ट्रांसफर हो जाता है। अब आपको इसके कुछ सिम्टम्स बताएंगे। फर्स्ट है ब्लड इन यूरिन, यानी हेमेटुरिया। सेकेंड है प्रोटीन इन यूरिन, यानी प्रोटीनूरिया। थर्ड है हाई ब्लड प्रेशर। फोर्थ है लेग्स, एंकल, फीट या आईज में स्वेलिंग होना। अब आपको इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे। फर्स्ट है यूरिन टेस्ट, जिससे पता लग सके कि प्रोटीनूरिया की प्रॉब्लम है या नहीं। सेकेंड है ब्लड टेस्ट, जिससे ब्लड में टॉक्सिक लेवल का पता चल सके। थर्ड है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट चेक करना, जिससे किडनी प्रॉब्लम का पता चले। तो आज हमने आपको बताया ऑलपोट सिंड्रोम कैसे किडनी को इफेक्ट करता है। अगर आप इस बारे में और जानकारी लेना चाहते हो तो आप कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र में जरूर संपर्क करें। संपर्क करने के लिए आप हमारे नंबर, ईमेल और केंद्र का पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। ये इन्फॉर्मेशन अगर यूजफुल लगी हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों आज जुड़े हैं एक पेशेंट और हमारे साथ, और उनसे जानेंगे क्या क्या समस्याएं थी उनकी। क्या नाम है पेशेंट का? सर उनका नाम श्याम सिंह। कौन है आपके? मेरे छोटे भाई। लेकर नहीं आए हो आप छोटे भाई को? नहीं, उनको अभी साथ में नहीं ला पाया हूँ। कुछ प्रॉब्लम थी पैसे की, इसलिए अब उनको आराम है बहुत ही। क्या क्या फर्क था उनका? पहले कमर में दर्द होता था, वो ठीक है, कभी कभी होता है। और बुखार आता था, वो भी ठीक है। सिर में दर्द, वो भी ठीक है, आराम में। पहले क्रिएटिनिन था उनका 8.68 था, अब वो घट के 2 महीने में वो आ गया है 5.38 पर आ गया। अच्छा, डायलिसिस तो नहीं कराया ना? डायलिसिस नहीं कराया था सर। डॉक्टर ने क्या बताया था, कहाँ के रहने वाले हो? मैं सर राजस्थान से भरतपुर तहसील से रहने वाला। तो भरतपुर में क्या बताया था उस समय? उस समय हम डॉक्टर साहब वहाँ पर गए थे, हम उन्होंने डायलिसिस के लिए बोला था, लेकिन हमने अभी डायलिसिस कराया नहीं। हम इससे पहले पता नहीं गए थे, लेकिन वहाँ पे कोई आराम नहीं मिला। और आपके पास आप ऐसे किसी साथ वाले ने बताया था, कर्मा आयुर्वेद नाम का हुआ है कोई, हम यहाँ पे आए थे। तो आपके पास आने से हमको बहुत फायदा मिला। ठीक महसूस कर रहे हैं ना श्याम सिंह? नहीं, बिल्कुल सही है वो सर। अब ठीक है ना श्याम? पहले से बिल्कुल सही है। ऐसा लगता तो नहीं कि बीमार है? अब वो बीमार नहीं लगते हैं। जो आपने बताया था डाइट चार्ट जो भी है, वो हमने फॉलो किया है, और बिल्कुल सारी चीजें अब सही है। और आगे की जो प्रक्रिया वो आप जो भी बताओगे उसी के हिसाब से सर। तो ये रिपोर्ट जो है ना, ये बता रही है कि श्याम सिंह जो है उसको क्रिएटिनिन जो था वो 8.68 तक चला गया। तो जिंदल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भरतपुर राजस्थान की रिपोर्ट है, और श्याम सिंह पेशेंट का नाम है, और ये रिपोर्ट इन्होंने कराई है। कब कराई थी रिपोर्ट आपने? 27 को कराई थी। 27 जनवरी 2019 को इन्होंने रिपोर्ट कराई है। क्रिएटिनिन 8.68 है, और साथ साथ इनका जो है वो क्लोराइड भी है, थोड़ा सा इम्बेलेंस चल रहा है, क्लोराइड कम चल रहा है इस रिपोर्ट में, क्रिएटिनिन इसमें काफी बढ़ा हुआ है। और अब एक इन्होंने रिपीट टेस्ट कराया है, और ये इन्होंने कराया है अभी लेटेस्ट 28 फरवरी 2020 को, और क्रिएटिनिन इसमें घट के 5.6 हो गया। जिंदल सुपर स्पेशलिटी भरतपुर राजस्थान से 5.64 हो चुका है क्रिएटिनिन। पहले जो था वो 8 की रेंज में था, और इनको डायलिसिस एडवाइस कर दिया गया था भरतपुर में, और अब जो है ये क्रिएटिनिन 5 की रेंज में आया है। तो पहले से काफी अच्छे इनको रिजल्ट्स नजर आए हैं,
और अब इनको डायलिसिस की आवश्यकता भी नहीं है। तो राजस्थान में इनको डायलिसिस के लिए एडवाइस कर दिया गया था, लेकिन अब विदाउट डायलिसिस जो है इनका क्रिएटिनिन कम हुआ, सभी चीजों में इनको लाभ हुआ है। क्या संदेश देना चाहेंगे किडनी के मरीजों को? आप देख चुके हैं ना आपके भाई के साथ की कितनी दिक्कत होती है इस बीमारी में और किस प्रकार से उसको फायदा हुआ, तो क्या उन मरीजों को आप बताना चाहेंगे? मैं सर यही कहना चाहूंगा, ये कर्म आयुर्वेद में आप संपर्क करें और किसी में अपना इलाज चलाएं और बाकी कहीं भी डायलिसिस करवाने के बजाय यहीं पे संपर्क करें। ये है श्याम सिंह के बड़े भाई जो कई जगहों पे गए और कई जगह उन्होंने एलोपैथिक और आयुर्वेद में भी कई जगहों पर गए, लेकिन इनको लाभ हुआ कर्म आयुर्वेदा में आकर। और आज हमारे पास ऐसे कई हजारों की संख्या में पेशेंट है जिनको डायलिसिस बंद हो चुका है, जिनका क्रिएटिनिन कम हो चुका है, ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है, डायलिसिस चल रहा था, डायलिसिस एडवाइस कर दिया था, क्रिएटिनिन बढ़ रहा था, इन सभी पेशेंट को लाभ हुआ। ऐसे हजारों की संख्या में वीडियोस तो हमारे यूट्यूब पर ही उपलब्ध है, जिसमें सभी रिपोर्ट्स पे वीडियोस में रिपोर्ट्स भी लगी हुई है और रिपोर्ट्स जो हैं वो सभी अलग अलग जगहों की हैं, जैसे ये भरतपुर राजस्थान की, जहां का पेशेंट वहां की रिपोर्ट। हम किसी को भी कहीं से भी रिपोर्ट कराने के लिए नहीं एडवाइस करते हैं, आप जहां रहते हैं वहां से नियर बाय रिपोर्ट कराइए और उसी रिपोर्ट में आप अंतर पाएंगे। स्टॉप किडनी डायलिसिस। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा न्यू दिल्ली 110034।